is Alina Alam and you are watching my YouTube channel Style Makeup and Tips by Ali. Guys, जो मैंने अभी लुक को कैरी कर रखा है मैं इसी का ट्यूटोरियल देने वाली हूँ आज ब्लू ग्लिटरी आई विथ न्यूड लिप्स. आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा और थोड़ा हेल्पफुल भी रहेगा. तो गाइज देख लेते हैं इसे मैंने कैसे क्रिएट किया है. आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा. और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे जब जब भी मैं वीडियो डालूँ. और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूले. चलिए देख लेते हैं मैंने इसे कैसे क्रिएट किया है. सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद मैंने यूज़ किया है NYBA का ये प्राइमर. ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है. ब्लेंड बहुत ही अच्छे से हो जाता है और आपके पोर्स को बहुत ही अच्छे से फिल कर देता है, मिनिमाइज़ कर देता है. और उसके बाद मैंने यूज़ किया है कलर करेक्टर, ये स्टेक वॉकी का ग्रीन कलर करेक्टर. और एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. अब मैं अपने ब्राउज़ को फिल इन कर लूँगी और उसके लिए मैंने यूज़ किया है SFR कलर का ये आई शेडो पैलेट. और इसमें से मैंने एक ब्लैक कलर का आई शेडो को पिक किया है और अपने ब्राउज़ को फिल इन कर रही हूँ. और मैंने यूज़ किया है यहाँ फाउंडेशन के लिए ये पर्पल का फाउंडेशन. और मेरा शेड है वियाना कॉमरेड 8. ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, बहुत स्टेइंग है और बहुत ही स्मूथ फिनिश भी देता है. और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं पहले फिंगर के हेल्प से इसे स्प्रेड कर लूँगी और उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से अपने ऑल ओवर फेस में. और नेक में भी मैं इसे लगा लूँगी बिकॉज फेस और नेक दोनों सेम लगना चाहिए, वरना ऐसा लगेगा कि आपने सब कुछ फेस पे ही कर लिया और नेक पे ध्यान ही नहीं दिया और बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा. इसलिए नेक पे भी ध्यान दें अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो. और उसके बाद मैंने अपने आईज़ को सिर्फ सेट किया है, फेस को अभी सेट नहीं किया है. और उसके लिए मैंने स्टेक वॉकी का ये फेस पाउडर यूज़ किया है. और उसके बाद मैं कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ. कॉन्टोर के लिए मैंने यूज़ किया है वही स्टेक वॉकी का ये मिनी स्टिक कॉन्टोर स्टिक. और जहाँ पे भी मैं कॉन्टोर करती हूँ मैं इसे लगा लूँगी और फिर एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. और अब मैं अपने पूरे फेस को लॉक इन कर रही हूँ और वही स्टेक वॉकी का कॉम्पैक्ट से ही मैं उसे लॉक कर दूँगी. और मेरा जो शेड है वो है हनी आई लव यू 2. और मैं मेरा जो कंटूर है उसे भी लॉक इन करना है. तो एक आई शेडो डार्क ब्राउन आई शेडो को मैंने लिया है और उसे ही लॉक इन किया है. और ब्लश के लिए मैंने यूज़ किया है ये ग्लैम 21 का फेस पैलेट. इसमें से मैंने दो कलर को मिक्स करके ब्लश लगाया है और हाइलाइटर भी मैं इसी पैलेट से लगाऊंगी. और जहाँ पे भी मैं हाइलाइटर लगाती हूँ एक फ्लफी छोटा सा ब्रश लेके मैं उसे लगा लूँगी. और आई शेडो के लिए भी मैंने SFR कलर का आई शेडो पैलेट ही यूज़ किया है. उसमें से मैंने एक ट्रांजिशन शेड को लिया है और अपने पूरे क्रीज़ में लगा रही हूँ उसे. थोड़ा थोड़ा आई शेडो लेकर मैं उसे थोड़ा इंटेंसिफाई करूँगी और ब्लेंड भी करती रहूँगी. और उसे थोड़ा सा मैंने डार्क कलर को लिया है और उस आई शेडो के ऊपर उस ट्रांजिशन शेड के ऊपर मैंने उसे क्रीज़ को डिफाइन किया है. और एक थोड़ा सा मैं कट क्रीज़ करूँगी. मैंने कंसीलर यूज़ नहीं किया है. आप लोग देखिएगा मैंने इसे कैसे किया है. हाफ़ कट क्रीज़ मैं क्रिएट करूँगी ब्लू कलर को लेकर. उसी पैलेट में से मैंने ब्लू कलर को लिया है और जैसे कट क्रीज़ करते हैं तो वैसे ही मैं करूँगी. और एक ब्लैक शेड को लेके मैं आउटर कॉर्नर पे लगाऊँगी जहाँ पे वो क्रीज़ एंड हो रहा है वहीं पे. और उसको डार्क करती रहूँगी थोड़ा थोड़ा लेकर. एक बार में नहीं लगाना है वरना एक बार में लगाने से वो अच्छा नहीं लगेगा. तो मैं उसे हल्का हल्का लेके उसे डार्क करूँगी और आउटर कॉर्नर की तरफ मैं निकालती रहूँगी उसे. और फिर थोड़ा सा कट क्रीज़ सा इफ़ेक्ट आए तो हम लोग उस कट क्रीज़ के ऊपर भी थोड़ा लाएंगे उस ब्लैक कलर को. और एक ग्लिटर पैलेट को मैंने यूज़ किया है और उसमें से मैंने ब्लू कलर का ग्लिटर लिया है. और इस ब्लू कलर के ग्लिटर को मैं ऑल ओवर माई क्रीज़ लगा लूँगी बहुत ही अच्छे से. उसे बस टैप करना है, प्लेस करना है उसे, मतलब रब नहीं करना है, बस प्लेस करना है.
तो मैं थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें मुझे प्लेस करने में, एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसे लगा रही हूँ। हाथ से बहुत अच्छा होता लेकिन वो क्रीज मैंने किया है इसलिए मैंने हाथ से नहीं किया है। और आईलाइनर के लिए मैंने यूज़ किया है NY बेस शक्ति आईलाइनर, और जो मेरा शेड है वो है क्या चाचा वन, और इसका भी टिप मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छे से लग जाता है। और ये थोड़ा शाइनी है, मतलब पूरा मैट आईलाइनर नहीं है, और इसके हेल्प से मैं विंक लाइनर ड्रॉ कर लूँगी। और उसके बाद काजल मैंने यूज़ किया है, फिर से स्टेक वॉकी का ही काजल मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया है, और अपने लोअर वाटर लाइन में मैं इसे अच्छे से लगा लूँगी ताकि मेरे लोअर लैश लाइन अच्छे से टाइटन अप हो जाए। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा काजल को स्मच किया है ब्लैक कलर का आई शेडो को लेके, ताकि वो ज़्यादा मतलब बाद में स्मच ना हो जाए। मैंने जस्ट हल्का सा ही काजल के नीचे में ब्लैक शेडो को लगाया है, और उसके बाद एक मस्कारा लगाऊंगी। मस्कारा के लिए मैंने पर्पल का मस्कारा को यूज़ किया है, ये भी बहुत अच्छा मस्कारा है, और ये वाटरप्रूफ नहीं है, इसमें इस रेंज में आपको वाटरप्रूफ भी मिल जाएगा। लोअर लैश में को भी मैं अच्छे से कोट कर लूँगी। और लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ, न्यूट कलर का लिपस्टिक है ये, है NY बे का मिनी लिपस्टिक बुलेट लिपस्टिक, और मेरा शेड है 04 ट्रेंड्स। ये पूरा सेट था एक लिपस्टिक का, 4 सेट, और इसमें से ही मैंने इसे चूज़ किया है। और मैं ईयरिंग पहन लूँगी और एक बन बना लूँगी पीछे में, और हो गया मेरा लुक रेडी। आई होप गाइस आप लोगों को मेरा ये लुक अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये लुक अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पास में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे जब जब भी मैं वीडियो डालूँ गाइस। और ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को देखना ही क्या चाहते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वो लुक को ट्राई करूँगी गाइस। आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो। बाय गाइस, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।